हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। जी गाइस, ये मेरी फ्रिज आ गई है न्यू टेंटेना। ये मेरी कल आई है फ्रिज, खैर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल आ गई है मेरी फ्रिज। सो गाइस, आज हम करने लगे हैं कुकिंग स्टार्ट। तो आज हम बनाने लगे हैं स्पेशल आलू कीमा। ये मैंने सब काट के रख लिए हैं, एक अदद टमाटर, एक अदद आलू एंड जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, वन लार्ज प्याज एंड वन ग्रीन चिली, एंड ये मेरे पास है पाव कीमा। आई थिंक ये पाव कीमा है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं कुकिंग। ये इसमें मैंने बनाने लगी हूँ खाना। आप चाहे जिस मर्ज़ी में बना सकते हैं, मेरे लिए ये बेस्ट है कढ़ाई, तो मैं इसमें बनाने लगी हूँ कढ़ाई में। सो चले मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ कि मैं खाना कैसे बनाती हूँ, मेरी रेसिपी क्या है, ये आप देख सकते हैं। चले लेट्स स्टार्ट। ऑयल इसमें डालेंगे 4 अदद लौंग। तो अब इसमें डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरे के साथ कटा हुआ तो प्याज हमने डाल दिया है। अब इसको ब्राउन, लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 मिनट तक उसको यानी कि भूनना है ताकि उसकी जो है स्मेल निकल जाए। चलिए गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आपसे मिलता है। जी ये हो गए हैं लाइट गोल्डन। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून। ये हमने डाल दिया। साथ साथ मैं किचन भी साफ करती हूँ ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। इसको हम करेंगे मिक्स। कीमा है मेरे पास मटन का, आप चाहे बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, मैंने लिया है मटन का आधा पाव। इसके अंदर डालेंगे हम कीमा अपना। अब इसको हमने 5 मिनट तक भून लें, मटन से कलर चेंज ना हो जाए। इसको कलर चेंज होगा तब हम डालेंगे टमाटर। हम इसको भूनना है अच्छी तरह से ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर आपसे मिलता है। जी ये आप देखें कलर इसका चेंज हो गया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 हल्दी। और हम इसी करेंगे भुनाई, पानी अभी तक मैंने नहीं डाले इसके अंदर। अभी इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। ये टमाटर हमने डाल दिए हैं और हम डालेंगे दही 2 टेबलस्पून और अच्छे से इसकी करेंगे हम भुनाई। पानी नहीं डालना फिर क्योंकि दही खुद का पानी है दही का, तो इसको हम कर लेंगे नीचे से। पानी हम बाद में डालेंगे 1/2 गिलास। अभी हम इसी करेंगे भुना नीचे से। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो एक हाथ से मैं कर रही हूँ कुकिंग
और एक हाथ से बना रही हूँ मैं वीडियो, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये देखिए कितनी अच्छा आ गया कलर्स, ये देख देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मुझे बता सकते हैं, अच्छे से हम कर लेंगे मिस की, इसको अच्छे से बुनाई करनी है इसकी, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो निकल जाए। अब जाके हम करेंगे पानी मिक्स की, इसमें ऐड करेंगे हम पानी। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह, मैं नमक डालना भूल गई थी, नमक अब हम ऐड कर सकते हैं इसमें, तो ना आपको पसंद है पुतले अपने मुताबिक डाल सकते हैं। चलो नमक भी ऐड हो गया, अभी हम इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स के बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी एक आधा ग्लास, ताकि कीमा जो अच्छे से गल जाए और स्मेल इसकी खत्म हो जाए। कीमा में ऐड करेंगे इसमें आलू एक कटोरा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी, अच्छे से इसको हम हिलाएंगे। आग हमने हल्के ही रखी है, तो हम इसको करेंगे ऐसे बुनाई करेंगे अच्छे से, तो हमने पकने देना है 15-20 मिनट तक, ये कीमा अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं, बीच में इसको हिलाते रहेंगे। चले 15-20 मिनट तक इसको हम पकने देंगे, अभी इसको हम ढक देंगे ऐसे करके। जी गाइस 15-20 मिनट हो गए, अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह पानी कुछ हो गया है, ऐड करेंगे आलू, सॉरी मेरी चिल्ली आ गई इसमें, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डालेंगे कटिंग करके। अभी हम राइस ऐड कर डालू, डालेंगे एक ग्लास पानी का, ताकि ये जो आलू है गल जाए। चलें मिलते हैं आपसे बाद में, इसकी हम करेंगे तो अच्छे से हिला दें और बीच में तो ऐड करें एक ग्लास पानी का। आलू को हम ऐड करेंगे एक मिनट तक, अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी ताकि आलू जो है वो गल जाए। आलू हमने पकाए हैं 10 मिनट तक, ताकि ये आलू है ना वो गल जाए 8-10 मिनट तक। जी बीच में ही बेटी आ गई है, ओके बेटा वेट करो, चलिए ये आलू हो जाए, फिर हम उसके बाद 8-10 मिनट तक मिलते हैं आपको, फिर हम आपको दिखाते हैं। ओके जी गाइस 10 मिनट हो गए, आलू हमारे गल चुके हैं, हम ऐसे करके इसको चेक कर लेंगे गले हैं कि नहीं। हाँ जी आलू हमारे गल चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिली एक कटी हुई, और इसके अंदर डालेंगे हम धनिया
बिरी कटा हुआ, और गरम मसाला, माई रेसिपी इज डन। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक। खाना मेरा हो गया रेडी, बिल्कुल रखेंगे 5 मिनट तक के लिए दम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, सो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह खाना एक मेरा बन गया है, बस इसको हम लगाएंगे दम पे 2 से 5 मिनट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अगर मेरी रेसिपी आप